لا تحزن إن الله معنا. ओ इधर वो भी है. ओ क्या डर नहीं. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. तो आज हम पुंछ में किले को एक्सप्लोर करने आए हुए थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जुमा पढ़ने आए हुए थे, तो मैंने जवेद भाई को बोला कि यार चलते हैं थोड़ा सा किला देखते हैं. मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे, पहले मैंने मतलब कि शाम के टाइम आया हुआ था, फोटो शूट करने आया हुआ था यहाँ पे. तो आज यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, घास फूस बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी हो रखी है यहाँ पे. तो आज मैं आपको पूरे किले की सैर करवाऊँगा, क्या क्या है इधर, कैसे कैसे है, कैसे अंदर की कमरे हैं, कैसी इसकी दीवारें हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा. तो बने रहें वीडियो में अंत तक, मिलते हैं आपसे आगे. सो गाइस ये है रास्ता किले में उत्तरी, यही है देख सकते हो इस तरीके की झाड़ियाँ बनी हुई है यहाँ पे. ओ हो हो हो, यहाँ पे डर लगता है, बिल्कुल खौफनाक मंजर लग रहा है. ये रास्ता ऊपर के लिए है, मैं एक बार पहले भी आए थे यहाँ पे फोटो उठाने. तो ये देखिए इस किले की क्या हालत हो चुकी है. आई थिंक ये रास्ता ऊपर के लिए, यहाँ पे कुछ है यार. इधर आओ मेरे साथ है जावेद भाई, और हम जा रहे हैं ऊपर छत के ऊपर. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सांप बिच्छू कुछ भी. तो हम नमाज पढ़ने आए थे, मैं सोचा किले में जाएंगे आज. ये देखो यहाँ का, आओ आओ ऊपर. हाँ हाँ इधर से है रास्ता. ये देखो बहुत पुराना किला है ये पुंछ का. देख सकते हो बिल्कुल खाली खंडर है. मैं आया भी यहाँ पे लेकिन मैं शाम के टाइम आया था उस दिन. तो ये देखो, ओह हो क्या व्यू है, मतलब अमेजिंग यार, इतना अच्छा लग रहा है मुझे. आज यहाँ पे ग्रीनरी है, मैं सर्दियों के टाइम आया था यहाँ पे, पानी के लिए कुछ बनाई हुई है. मैं इसके छत के ऊपर जाने की कोशिश करूँगा. इधर अंदर से आई थिंक रास्ता है. ये देखिए हालत किले की, यहाँ पे कोई रहता है, बकरियाँ शायद रखते हैं मुझे लगता है इधर. ये है अंदर से किले. ओहो जावेद भाई बाहर. यहाँ पे लकड़ियाँ. इधर से तो रास्ता नहीं है यार, इधर से नहीं है रास्ता. यहाँ से हम अभी आए हुए थे, हमें इसके छत के ऊपर जाने की कोशिश करूँगा. मैं छत से मैं आपको व्यू दिखाऊँगा कैसा लग रहा है. ये देखें, इधर से तो छत पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है. मुझे लगा था इधर से है, बट यहाँ से नहीं है. ये सामने मतलब एकदम इधर कैसा लगता है ना, खंडर भूतिया जैसे. आई थिंक यहाँ से भी नहीं है यार. यार मैं तब ऊपर गया था, इसके ऊपर कहाँ से गया था. ये देखे यहाँ पे ये खंडर देख सकते हो आप, और यहाँ पे मुझे लग रहा है मस्जिद है शायद. तब राजा के ज़माने में यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पे नमाज वगैरह नहीं पढ़ती. अभी हमारे से सीन हुआ, कुत्ता था अंदर इधर अंधेरे में, तो ये कर रहा आवाज़ें अंदर, इतना डर गया हम. ओहो हो कुत्ता निकला इधर, इधर अंदर कुत्ता था, वो भाग गया बाहर. यार कसम से इतना डर लगा मुझे. ये देखो यहाँ पे खंडर, पता नहीं क्या क्या भलाएँ यहाँ पे पड़ी हुई होंगी. यहाँ से व्यू देखो बाहर क्या, यार बिल्कुल जंगल बना गया ये. ओह ये हिडन जगह मैंने पहले देखी नहीं कभी भी. ये उस साइड से बाजार से किला दिखता है, इसमें अभी भी काम शाम होता है शायद, आई थिंक नीचे वाले फ्लोर में. तो बाकी यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ का व्यू, यहाँ पे सलाखे बनी हुई है शायद, आई थिंक ये कैदी के लिए बनाया हुआ था यहाँ पे. ये देखो व्यू, देखो व्यू, जंगल बना हुआ है बिल्कुल. सो गाइस ये देखो कट लग गया मुझे, पता नहीं मुझे कुछ पता नहीं चला कहाँ से क्या हुआ.
तुम्हें वीडियो बना तो मेरी चप्पल लगा देख देख सकते हो यहाँ पे बकरे वगैरह भी हैं, इनको बेचने के लिए लाए ईद के लिए। ये मस्जिद से व्यू है इधर का, ये देखो मस्जिद की दीवारें देख सकते हो। ओ इधर वो भी है, ओ क्या डर नहीं वो यार जिसको क्या बोलते हो खाता है वो घास। हाँ मेरी टांगों में लग गई यार, वो होता यार। सो गाइस ये कलैरी यहाँ पे जो भद्रुआ में हम इसको शेड बोलते हैं, इसने मेरी टांगों में खा लिया यार। हम इधर से जा रहे थे ऊपर, सोच रहे थे यहाँ से रास्ता मिल जाए, लेकिन मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से नीचे निकलना ही बेहतर है। तो चलो ठीक है, फिर देखते हैं, अगर मुझे कुछ और दिखाने के लिए हुआ मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं वीडियो एंड कर दूंगा। तो यहाँ से हम आए हुए थे, यहाँ से हम आए हुए थे, ये देख सकते हो यहाँ का रास्ता, शॉर्टकट रास्ता, क्योंकि किले में पूरा तो हम जा नहीं सकते क्योंकि आज वहाँ पे घास वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो मुझे तो काट लिया काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे जलन हो रही है यार। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياه